ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी तो होती है। ये तो इसमें जो है विधि सोणितीय अध्याय, तो ये चैप्टर बताने का इम्पोर्टेंस ये है कि अब तक हमने लंघन भरणीय अध्याय में जो 6 प्रकार की चिकित्सा पढ़ी, ठीक है, वो चिकित्सा स्पेशली बात पित्त कफ दोषों के लिए बताई हुई है। परंतु आचार्य कुछ ये भी मानते हैं कि रक्त भी चतुर्दोष की तरह काम करता है। रक्त की खुद की अलग से अहमियता है, वो अपने गुण दर्शाता है और दूषित भी होता है, दूसरे की तरह भी काम करता है, दोष की तरह भी काम करता है। इसलिए इस रक्त को अलग से इम्पोर्टेंस देने के लिए उन्होंने अलग से चैप्टर का वर्णन किया है, विधि सोणितीय अध्याय। ठीक है, तो कभी कभी शल्य शल्य के पेपर में ये भी आ जाता है कि भाई रक्त का महत्व तो बताइए, रक्त की इम्पोर्टेंस क्या है। तो रक्त की इम्पोर्टेंस भी आपको यहाँ इस अध्याय में दिखाई देगी, और रक्त की इम्पोर्टेंस बताने के शायद इसलिए ये अलग से ही अध्याय का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि विधिना सोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल औक्षातम्यानाम विधिर्यम संप्रकाशितम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देश काल और औक्षातम्य है, इन चीज़ों को जो जानता है और इन चीज़ों को जानने वाला जो विधि पूर्वक इनका पालन करता है, ठीक है, इनका जब पालन करेगा तो उसमें जो रक्त की उत्पत्ति होगी, ठीक है, वो उसकी जो रक्त की उत्पत्ति है वो शुद्ध रक्त की उत्पत्ति होगी। ठीक है, उसके जो आहार से जो रक्त बनेगा, रक्त का जो मात्रा बनेगी, वो रक्त बनेगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा और वो देह की वृद्धि करने वाला होगा। ठीक है, ये इसके बताया हुआ है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसको छोड़ दो भले। श्लोक आगे वाले श्लोक को देखो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बोल रहे कि तद विशुद्धम रुधिरम, जो विशुद्ध रुधिर है वही, उसके बारे में बताया कि तद विशुद्धम रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा, बलवर्ण और सुख देने वाला होता है। अगर शुद्ध रक्त होगा तो ही वह बलवर्ण और सुखायु देने वाला हो। ठीक है, युनक्ति प्राणिना प्राण शोणितम अनुवर्तते, ये इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, जो प्राणियों के जो प्राण हैं वो शोणित का अनुवर्तन करते हैं। तो ये लाइन कभी कभी पूछी जाती है, कोई पूछा जाता है ये लाइन किसके संदर्भ में है, तो ये रक्त के संदर्भ में बताई हुई है। ठीक है, ऐसी ही सेम लाइन कुछ जगह और आई है, इसमें बोल रहा हूँ आपके सामने, पानीय प्राणिनाम प्राणा विशस्य एवं तन्मय। ठीक है, पानीय प्राणिनाम प्राणा विशस्य एवं तन्मय, ये जो लाइन है वो आपको जल के संदर्भ में आई हुई है। ठीक है, ये आगे आप जब पढ़ेंगे आत्रे भद्र कापि अध्याय अन्न पानी अध्याय, तब आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सेम सिमिलर सिमिलर लाइनें कई जगह आएंगी जो प्राण से संबंधित, इनसे संबंधित होंगी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, इसलिए इस लाइन को याद रखना। ये सब जो लाइन है आपके शोणित के संदर्भ में या रक्त के संदर्भ में आई हुई है। ठीक है, तो रक्त के बाद रक्त के बारे में और भी चीज़ें और कई जगह बताई हुई हैं, जैसे देखो ये सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है। ठीक है, रक्त वर्ण प्रसादम, रक्त वर्ण का प्रसादन करता है, मांस पुष्टि और जीवयति चे। ठीक है, कौन सा धातु कौन की पुष्टि करता है, इसके लिए सिंपल सा नियम है जो हमने पढ़ाया ना। ठीक है, रस रक्त की, ठीक है, ऐसे रक्त मांस की, मांस किसकी करेगा, वेद की। तो ऐसे एक जो रूल है सामान्य वो उससे जो चलता है, तो इसलिए इसमें रक्त के बाद मांस आता है, तो मांस की पुष्टि कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, तेसाम छह वृद्धि शोणित निमित्त। ठीक है, छह वृद्धि, और ब्रैकेट में लिखा है धातु के लिए लिखा हुआ है कि धातुओं की छह वृद्धि किसके निमित्त होती है, ये रक्त के निमित्त होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि धातुओं की छह वृद्धि रक्त के निमित्त होती है, जबकि हम छह वृद्धि जो पढ़ेंगे चरक के अकॉर्डिंग, तो वो जो पढ़ेंगे कि धातुओं की छह वृद्धि आपकी आहार और निद्रा के निमित्त होती है। ठीक है, आचार्य चरक ने बोला है कि आहार निद्रा के निमित्त होती है, ऐसी स्थौल्यकार से भी चरक में आहार और निद्रा के निमित्त बताए हुए हैं, जो हम पिछली बार पढ़ चुके। ठीक है, सुश्रुत ने रक्त के निमित्त बताई। अब जो है आपको रक्तज जो रोग हैं हमारे, उन रोगों के निदान क्या है।
ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रक्त को दूषित करती हैं? तो सिंपल सा है, रक्त का जो खुद का गुण है वो पित्त के समानधर्मी है। ठीक है, तो जो भी चीज आपके पित्त को प्रकोपित कर रही है वो आपको रक्त को भी प्रकोपित करेगी। ठीक है, तो पित्त को प्रकोपित करने वाली चीजें क्या हैं? जो उष्ण तीक्ष्ण हुई हैं, ठीक है, जो विदग्ध अवस्था में कटुता प्रदान करती हैं, अम्लता प्रदान करती हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको रक्त को दूषित करने वाली होंगी। ठीक है, तो खास इसमें कोई याद रखने वाली है, जो याद रखने वाली बता दूंगा मैं आपको, पढ़ रहा हूँ एक बार, इसको रीड कर रहा हूँ। प्रदुष्टम बहुतीक्ष्णम उष्ण मदेर अन्य, ठीक है, तो तीक्ष्ण उष्ण जो मद है वो आपको रक्त को दूषित करेगा। अति लवण क्षार अम्ले कटुर भी भवे। ठीक है, तो हमने जो इससे पहले जो रोग बताए थे आपको, रक्तज रोग, अभी अभी बताए नहीं, आगे आ जाएंगे। तो जब रक्तज रोग पढ़ाएंगे तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो चीज़ें निदान है वो निदान आपको उसको बंद करवाने, क्योंकि निदान परिवर्जन ही चिकित्सा है। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आपको सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है रक्तज रोग का वो है सिरोरोग। ठीक है, तो सिरोरोग के पेशेंट को आपको सबसे पहले तो ये सब चीज़ें आपको बंद करवानी है, स्पेशली उसको बोलना है कि ये आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है, कोई भी कटु लमड़ क्षार। तो कटु लमड़ क्षार का मतलब ऐसा नहीं है कि एक यही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, तो व्यवहार में जो चीज़ें यूज आ रही हैं इनके समान धर्मी वो आपको बंद करनी है। जैसे नमकीन खाता है कोई पेशेंट तो उसको क्लियर मना कर देना कि भाई नमकीन ना खाए। ठीक है, कोई उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें खा रहा है, जैसे कोई उसके स्पाइसी चीज़ें खा रहा है, तो वो भी आपको मना कर देनी है। ठीक है, देखो इसके बाद एक कुलत्व निशान लगाना है। कुलथी क्या कर रही है? रक्त को दूषित कर रही है, और रक्त को दूषित कर रही है इसका मतलब क्या है? ये उष्ण तीक्ष्ण है। ठीक है, और कुलथी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अस्मरी वेदन में करते हैं। कुलथ का जो यूस है, या कुलथ का जो पान है, कुलथ के जो पानी में होके उसको पान जो है उसका पानी उसका प्रयोग करने के लिए अस्मरी में बोलते हैं, क्योंकि अस्मरी उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से उसका वेदन करती है। तो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में कि मुख रोगों में कौन किस चीज़ का निषेध है, तो उसमें ये कुलथी है जो है उसका आंसर गया था वो, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सब शीत थी, और ये जो है मुख पाक में बताया हुआ था, तो मुख पाक में कुलथी का निषेध बताया हुआ है, क्योंकि कुलथी उष्ण तीक्ष्ण होता है। ठीक है, पिंडालू मूलक आदि नाम, पिंडालू का मतलब बताया है कि आलू होता है, जो आलू जो बताया है उसका मतलब पिंडालू। ठीक है, हरित का नाम, हरितक वर्ग जो होता है जिनका प्रयोग हम, जो हरितक मतलब हरा प्रयोग करते हैं, जैसे पालक बथुआ है, इनका प्रयोग भी इनमें थोड़ा सा निषेध बताया हुआ है, ये ऐसा चक्रपाणि टीका में लिखा हुआ है। ठीक है, हरितक का वर्ग का मतलब बताया हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें निशान लगाइए, भुक्त्वम दिवा प्रसोक्तम द्रव स्निग्ध गुरु नीचे। ठीक है, भुक्त्वम दिवा प्रसोक्तम द्रव स्निग्ध गुरु नीचे, इसका मतलब है कि भुक्त्वम दिवा प्रसोक्तम, आपने खाना खाया और आप सो गए तुरंत। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी निदान किसका है? वो रक्त का निदान है, रक्त को दूषित करने का निदान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना। क्रोध भजता आता बने लगे शाम, कोई खास बात नहीं है। एक निशान लगाना, शरद काल स्वभावश्य, शरद काल मतलब शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से रक्त की दुष्टि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको स्पेशली इस श्लोक में याद रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विमर्श में, पिंडालू से आलू का ग्रहण किया गया है और हरितक से हर एक वस्तु जैसे अदरक सोआ पालक नींबू पुदीना, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि हरितक चीजें हैं और इनका निषेध कराना है जब भी हम चिकित्सा करेंगे किसी रक्तज रोग की। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अदरक का बोल देना, अदरक नहीं खाना है भाई, नींबू नहीं खाना है आपको, ठीक है, पालक नहीं खाना, ये सब चीज़ें आप मना कर दोगे तो पेशेंट जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा आपके ट्रीटमेंट से। अब देखो ये आपके एग्जाम्पल आ गए, रक्तज रोग है कौन कौन से। ठीक है, तो आपको पहचानना है रोग को कि यार ये रोग तो रक्तज रोग है। ठीक है, तो जैसे देखो तत्सोणित रोगा प्रजायन्ते पृथक विदा। ठीक है,
अब देखो मुखपाक हो, मैंने जैसे बताया था आपको मुखपाक में अभी कुल्थी का निषेध है, क्यों निषेध है? क्योंकि मुखपाक हो रहा है उसमें रक्त दुष्टि ऑलरेडी है और आप कुल्थी दे दोगे तो वो और प्रकोपित करेगी पित्त और रक्त को, ठीक है, इसलिए मुखपाक बढ़ जाएगा, इसलिए कुल्थी आपको प्रयोग नहीं करनी है। इसलिए जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था वो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आया उसका आंसर इसी वजह से कुल्थी का निषेध किया गया था। वो क्वेश्चन वैसे यहाँ से डायरेक्टली नहीं आया परंतु यहाँ से भी उसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है कुल्थी, ठीक है, जबकि उसका आंसर तो शायद डायरेक्ट मेंशन है भाप प्रकाश में जब कुल्थी जब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मुखपाक अक्षी राग, तो जिनमें पाक हो रहा है जिसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है वो सब आपके रोग क्या हो जाएंगे, रक्तज के भी हो सकते हैं, ठीक है। अक्षी राग, पूति, घ्राण, आस्य, गंधता, इंपोर्टेंट लिखा निशान लगाइए गुल्म, गुल्म आपका एक रक्तज रोग है, ठीक है। प्रमिलक, ये भी आपका एक रक्तज रोग है, विद्रधि में तो रक्त का पाक होता ही है, ठीक है, तो विद्रधि को छोड़ दो, कोई बात खास बात नहीं है, प्रदर है ये, वातशोणित है ये। अग्निसाद, वैवर्णम अग्निसाद, अग्निसाद पर निशान लगाइए, ठीक है। फिर पाशा, गुरु गात्रता, संतापस्य, दौर्बल्यम, इंपॉर्टेंट है शिरश्रुकम, ठीक है, सिर की वेदना जो है वो रक्तज रोग में आती है। विधा अन्नपान से तिक्त अमल उद्गार, तिक्त अमल उद्गार अगर आ रहा है किसी को तो भी रक्तज रोग की श्रेणी में आ सकता है। लवण आसिता, अगर मुंह में ऐसा लगता है जो कि लवणता की अनुभूति होती है मुंह में, इसका मतलब समझ लीजिए आप उसकी रक्त की दुष्टि हो रही है। ठीक है, स्वेदम, शरीर दौर्गन्ध्यम, कंपस्य, तो ये थोड़ा से मैच कर रहे हैं आपके अतिस्थौल्य के लक्षणों से, तो आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करके चलना है, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका भी आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके रक्त की दुष्टि को शो कर सकता है, ठीक है। निद्रा अति योगस्य तमकस्य सिद्धस्म, इस पर भी निशान लगा लीजिए, और आपकी जो कुछ स्किन डिजीज है उसमें भी रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम जो स्किन डिजीज है उसमें रक्त शोधक औषधि देने के लिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रक्त जो डिजीज है उनमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट बताया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी रिजल्ट में आ सकता है, वो कंसेप्ट क्या है कि हमने जो पढ़े हैं वो अभी तक तीन दोष ही पढ़े, ठीक है, परंतु यहाँ चतुर्दोष की बात बार बार में हो रही है कि रक्त भी चतुर्दोष है, तो ऐसा माना जाता है कि रक्त दूष्य है फिर भी रक्त रोग का वर्णन किया वर्णन मिलता है, ठीक है, और ये वृद्ध भागवत ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, रसादि रसादि स्तेषु दोषेषु व्याधय संभवति ये तत् नित्यम उपचारेण तानाम घृत दग्धवत, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इसकी एग्जाम्पल उपमा दी हुई है कि जिस प्रकार जब आप कोई गर्म घी से कोई जल जाता है तो गर्म घी से जलने के बाद हम कभी भी ये नहीं बोलते कि वो उसकी उष्णता से जला है, जबकि जला तो घी की उष्णता से, परंतु हमेशा ये बोलते हैं कि घी से जल गया, ठीक है, परंतु ऐसा तो नहीं है, अगर घी से जलता तो घी अगर ठंडा होता तो भी जलाता, गर्म घी क्यों जला रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उष्णता से जला हुआ है, जो आपने अग्नि दी है घी को उससे जला हुआ है, ना कि घृत से जला हुआ है, परंतु हम व्यवहार में बोलते क्या है कि घृत से जला हुआ है। उसी प्रकार इन्होंने ऐसा माना है कि रक्त जो है वो रक्त क्या कर रहा है, वो पित्त के गुणों को ले रहा है, ठीक है, उष्णता को ले रहा है, वो उससे उसको दूषित कर रहा है रोगों को, ठीक है, जबकि वो खुद के लक्षण इतने उसमें नहीं है प्रोमिनेंट, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कुछ उपमा दी हुई है इसको समझाने के हिसाब से, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि रक्त जो है वो स्पेशली दोष से ज्यादा कहीं धातु का काम उसका बताया हुआ है कि वो दूष्य हो सकता है, ठीक है, धातु है तो दूष्य हो सकता है, वो आपका दोष की कैटेगरी में कम माना जाता है, तो इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना। अब देखो
कि आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, रक्तज रोग है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपका रोग बातज है या कफज है, तो बातज है तो आप मान सकते हैं कि अगर गुणों के विपरीत चिकित्सा करेंगे तो रुक्षता बाद में होती है और शीतता बाद में होती है। अगर आप उसके विपरीत चिकित्सा यानी कि रुक्ष का मतलब स्निग्ध चिकित्सा करोगे और शीत का मतलब उष्ण चिकित्सा करोगे, तो आपका अगर बातज रोग होगा ठीक हो जाएगा। तो उष्ण और स्निग्ध चिकित्सा करेंगे तो बातज रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रोग पित्तज है तो पित्तज में क्या है, आप शीत चिकित्सा करो तो ठीक हो जाएगा। और अगर आपका रोग कफज है तो रुक्षता वाली चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। परंतु इन चिकित्साओं से ठीक नहीं हो रहा है रोग, तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष उपक्रांति यह गदा। ठीक है, ये सब चिकित्सा करने के बाद भी सम्यक साध्यना सिद्ध्यन्ति, रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको आपको रक्तज रोग समझना चाहिए। ठीक है, तो ये खास बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका बताया है क्लासिकल मेथड, वो ये बताया हुआ है। और ये यही नहीं, कई जगह बताया हुआ है। ठीक है, आगे भी और आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके संदर्भ में देखो विमर्श में लिखा हुआ है कि गुण लिंगम व्याधि उपशय अनुपशाभ्याम परीक्षित। विमान स्थान में फिर दोबारा से कंसेप्ट आएगा ये कि गुण लिंग जो मतलब छुपी हुई जो व्याधि है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको उपशय अनुपशय का सहारा लेना चाहिए। उपशय अनुपशय का मतलब क्या है, उपशय का मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर जो डिजीज को बढ़ा देंगे। ठीक है, अनुपशय का मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर जो डिजीज को कम कर देंगे, तो उनको उपशय अनुपशय बोलते हैं। तो आगे जब हम एक और डिफरेंशिएशन में बताता हूँ आप लोगों को, अगर संधिगत जो बात होता है और आम बात होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा हम स्निग्ध स्वेदन और रुक्ष स्वेदन का प्रयोग करते हैं। अगर पेशेंट आम बात का होगा तो उसको रुक्ष स्वेदन से आराम आएगा। ठीक है, तो ये रुक्ष स्वेदन जो है किसके लिए उपशय का काम करेगा, किसके लिए अनुपशय का काम करेगा, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना। ठीक है, उपशय मतलब ये चीजों को जो बढ़ाने वाला होता है, ठीक है, और अनुपशय जो है वो विपरीत काम करने वाला होता है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ उल्टा बोल दिया कि यदि बातजन्य रोग है तो स्निग्ध उष्ण द्रव्य उसमें उपशय, उपशय मतलब जो कि आपकी डिजीज को कम करेगा, ठीक है, डिजीज के लिए लाभदायक होगा, उसको उपशय बोलते हैं। और अनुपशय जो है इसके विपरीत काम करेगा, जो आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेना जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, उपशय का मतलब है जो आपकी डिजीज को लाभ करेगा, आपकी डिजीज को, ठीक है, और अनुपशय का मतलब जो आपकी डिजीज को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर इनसे आप डिफ्रेंशिएट करके चलोगे तो इजिली आपकी चिकित्सा में बहुत हेल्प हो पाएगी। रक्तज रोग की चिकित्सा, ठीक है, अब रक्तज अगर रोग हो भी गया तो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसकी चिकित्सा क्या होगी। तो देखो कुरियात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रिया, आपको जो रक्त पित्त में जो चिकित्सा बताई है वो चिकित्सा आपको करनी है। रक्त पित्त हरि चिकित्सा, ब्रेकम ब्रेचन उपवासस्य, उपवास के रूप में, ठीक है, और लास्ट में अल्टीमेट श्रावणम शोणितस्य। ठीक है, तो निशान लगाना है आपको, रक्त पित्त हरि मतलब रक्त पित्त नाशक चिकित्सा इसमें करेंगे, ब्रेचन इसमें करा सकते हैं, उपवास इसमें करा सकते हैं और रक्त मोक्षण इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रक्त रोगों की चिकित्सा में आपको चिकित्सा सूत्र बता दिया गया। अब जो रक्त मोक्षण जो बताई है रक्त के रोगों की चिकित्सा में, तो वो बताया कि रक्त मोक्षण तो करेंगे पर रक्त मोक्षण कितना करना है। तो आचार्य चरक ने तो क्लियर क्लियर कट मेंशन नहीं किया है, फिर भी लिखा हुआ है कि बल दोष प्रमाणात् विशुद्धाय रुद्रस्य, कि बल और दोष के प्रमाण को देखकर, ठीक है, शरीर के बल को देखकर, रोग के बल को देखकर और शरीर में कितने दोष हैं उनके प्रमाण को देखकर आपको डिसाइड करना है कि कितनी मात्रा में आपको रक्त मोक्षण कराना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इस बात को याद रखना, आपको चरक ने केवल
बल और दोष के प्रमाण के संदर्भ में बात की, परंतु आचार्य सुश्रुत ने और क्लियर मेंशन किया कि आपको देखो सा अर्धम त्रियोदश पलम, ये सारंगधर का श्लोक है, सुश्रुत का भी नहीं है, सा अर्धम त्रियोदश पलम, ठीक है। ये जो बात है मतलब सार्धा 13.5 पल की मात्रा में आपको रक्त मोषण कराने के लिए स्पेशली बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मात्रा है वो केवल रक्त मोक्षण के लिए नहीं बताइए, देखो भमनम चे ब्रेकम चे सुणित मोक्ष सार्ध त्रियोदश पलम, ठीक है, 13.5 पल मात्रा में आपको रक्त मोक्षण करा सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है अगर आपको कराना भी पड़े, ठीक है। अब जो बात है वो क्या, हम जो रक्त है आपका वो दूसरे जो दोषों से संबंधित जब स्थापित कर लेता है तो उसमें दूसरे दोषों के गुण भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ करेक्टर बताए हुए हैं, वो यहाँ पे आप देखिए, अगर बात से संबंध करता है तो बात के गुण आ जाएंगे, पित्त से संबंध करता है तो पित्त के गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अरुणाव किसका गुण है, बात का है, तो ये बात से संबंधित हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए लिखा है अरुणाव बातेद बातम, बातम विषदम फैनिलम, फैनिल क्या है वो भी बात का ही एक गुण होता है, ठीक है। पित्त पीतम असितम रक्तम औषुतम आचरण, ठीक है। और पांडु है वो कफ की वजह से होता है, तो इसलिए इसत पांडु कफा दुष्टम पिछलम तनुत अधम। और अगर सभी लक्षण मिल रहे हैं आपको तो संसृष्ट लिंगम और संसर्गा त्रिलिंगम सन्निपात, सन्निपात में सभी के तीनों के लक्षण मिलेंगे और द्वंद्वज में आप दो दो के लक्षण मिलेंगे, तो खास बात नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो विमर्श में लिखा है वो आपको ध्यान रहना, ठीक है। तो देखो बात दुष्ट अगर है रक्त, तो देखो तनु शीघ्र गम अश्कंधी, ये निशान लगाना आपको, पित्त की वजह से है तो विश्रम अनिष्टम पीपलिका माक्षरगम अस्कंधी, पित्त की दृष्टि से गैरिक उदक प्रतीकाशम, ये कफ की वजह से, ठीक है। चिर श्राबी और मांस पेशी प्रगम श्लेष्म दुष्ट की वजह से, तो ये आपको जो निशान लगाया मैंने वो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो सन्निपात से अगर आएगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, उसका जो लक्षण आएगा वो कांजी का उद्गभाव, कांजी उद्गभाव, ठीक है। ये आपको सन्निपात से जो दोषों से युक्त होगा जो रक्त, उसके लक्षण है, कांजी का जो उदक होता है, कांजी जो बनाते हैं उसके समान जैसे आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप जो शुद्ध रक्त का लक्षण बताया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद यही समाप्त करेंगे आज, कि तपनीन्द्र इंद्र गोपवाम, तपनीन्द्र इंद्र गोपवाम पदम अलक्त सन्निभम गुंजा फल सवर्णम छ विशुद्धम विधि शोणितम, जो विशुद्ध जो रक्त है उसका लक्षण क्या है वो कैसा देखेगा, तपनीय मतलब जो सोना जो होता है उसको तपाने के बाद जो उसका वर्ण दिखता है, ठीक है, वैसा आपको दिखेगा। इंद्र गोपीय को एक क्या बोलते हैं, ये कीट का जो कीट है ये, और ये लाल कलर का दिखता है, ठीक है, बिल्कुल रेड कलर का दिखता है, तो इसी के संदर्भ में बोला कि इंद्र गोपम वीर बहुटी की कांति की तरह लाल कमल के समान देखने वाला, पद्म अलक्त सन्निभम, पद्मक जो पर्याय है वो कमल का है तो उसके समान देखने वाला, गुंजा फल सवर्णम, गुंजा का जो फल होता है वो भी रेड कलर का होता है और वैसा देखने वाला आपका जो होगा वो शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत ने भी कुछ अलग बुलाया कि देखो इंद्रगोप तो ऊपर बता ही दिया, इंद्रगोप प्रतिकाशम असहितम अविवर्णम प्रकृति से जानिया, ये निशान भी आपको याद रखना, ठीक है। और एक ये लिखना विशुद्ध रक्तम लिंगे नाना वर्णता, मतलब अनेक वर्ण हो सकते हैं उसको, बात आदि प्रकृति मनुष्याणम, तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखोगे तो इस शुद्ध रक्त लक्षण को आप जान पाएंगे।